गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हमने एक की मात्रा पढ़ी थी। एक की मात्रा, एक है ना। इसमें क्या होता है, स्लीपिंग लाइन के शुरुआत में, स्टार्टिंग में एक स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं और उसको अक्षर तक ले जाते हैं। कहाँ बनाते हैं, स्लीपिंग लाइन के स्टार्टिंग में, है ना। इसे कहते हैं एक की मात्रा। आज हम पढ़ेंगे ई की मात्रा। ई की मात्रा में पहले हम स्लीपिंग लाइन बनाते हैं, फिर उसके एंड में, स्टार्टिंग में नहीं, एंड में स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं और उसको उसके पहले का जो अक्षर होता है उस पर ले जाते हैं। ये है ई की मात्रा। ओके, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। अब हम एक एक करके हर अक्षर में ई की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। ये मैम ने लिखा का। का में का के बाद, का के पहले नहीं, का के बाद एक स्टैंडिंग लाइन बनाई और उसको क तक ले गए। अब ये है ख, तो इसमें हमने क्या किया, एक स्टैंडिंग लाइन बनाई और ख तक ले गए। की, अब हमने एक ग बनाया और उसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन बनाई और ग तक ले गए। घ से घर, उसके पीछे एक स्टैंडिंग लाइन बनाई और उसको घ तक ले गए। च, उसके पीछे एक स्टैंडिंग लाइन बनाई और उसको च तक ले गए। छ, उसके पीछे एक स्टैंडिंग लाइन बनाई और उसको छ तक ले गए। ज, उसमें भी हमने उसके पीछे एक स्टैंडिंग लाइन बनाई और ज तक ले गए। झ, झंडे वाला, उसके पीछे यहाँ लगाएंगे, नहीं यहाँ लगाएंगे, उसके पीछे ना? इस तरह से हर अक्षर के पीछे, हर अक्षर के पीछे, अक्षर के पीछे, अक्षर के पीछे, स्टैंड स्लीपिंग लाइन के लास्ट में, स्लीपिंग लाइन के लास्ट में, स्लीपिंग लाइन के लास्ट में ई की मात्रा। कौन सी, ई की मात्रा। ये हो गया ई की मात्रा, लॉन्ग ई, और ये हो गया की मात्रा, ई की मात्रा, हिचकी वाली की मात्रा, ठीक है। चिल्ड्रन डू प्रैक्टिस ऑफ इट, हाँ। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड आई विल टीच यू मोर, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू हिंदी कॉपी वर्क। दिस कॉपी वर्क यू हैव टू डू, मात्रा पढ़ो और आप ऐसे पढ़ेंगे। ये मैंने लाइव क्लास में की तक सिखाई थी, की आपको खुद पढ़ना है। क का की, की, क का की, की, ख खा की, की, ग गा घी घी, घ घा घी घी, च चा चिची, छ छा छिची, ज जा जिजी, झ झा झिझी, ट टा टिटी, ठ ठा ठिठी। ओके, रीड दिस, राइट एंड रीड। ओके, बाय बाय।